जी हाँ दोस्तों, आखिरकार आज भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच एक दिवसीय सीरीज का पहला एक दिवसीय मुकाबला जो खेला गया, उसी रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने युजवेंद्र चहल, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज की बदौलत अंतिम कुछ ओवरों में जाकर इस मैच को पलट कर रख दिया। और आखिरकार कैसे भारतीय टीम ने इस मैच को अपनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से इस मुकाबले को अपने नाम किया, तो वही दोस्तों इस दौरान हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट तो आप सभी को बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये रोमांचक मैच देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि भारत और वेस्टइंडीज में से आप किस टीम को ज्यादा मजबूत टीम मानते हो। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया। तो वहीं दोस्तों इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शिखर धवन, शुभमन गिल और सुरेश अय्यर की अर्धशतकीय पारी के दम पर 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 308 रन बनाए और वेस्टइंडीज की टीम को जीतने के लिए 309 रनों का लक्ष्य दिया। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि आज जब बीच मैदान पर शुभमन गिल और शिखर धवन भारत की पारी को शुरू करने के लिए उतरे थे तो दोनों ही बल्लेबाजों के बीच काफी अच्छी साझेदारी देखने के लिए मिली, जहां शिखर धवन और शुभमन गिल ने शतकीय साझेदारी तो की ही और इस दौरान पहला बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में भारत को लगा, जहां शुभमन गिल 53 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हुए और अपनी 64 रन की पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए थे। हालांकि उनको निकोलस पूरन ने 18वें ओवर की 4थी गेंद पर रन आउट कर दिया था और जैसे कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं दोस्तों शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे सुरेश अय्यर, जहां सुरेश अय्यर और शिखर धवन ने भी देखते ही देखते शतकीय साझेदारी कर डाली और इस दौरान भारत को दूसरा बड़ा झटका शिखर धवन के रूप में लगा, जो कि 99 गेंदों में 97 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनको गुदाकेश मोटी ने शामरा ब्रुक्स के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं ये 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे सूर्य कुमार यादव, जहां सुरेश अय्यर और सूर्य कुमार यादव के बीच अच्छी साझेदारी होती, उससे पहले ही सुरेश अय्यर 54 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ये 3 बड़े विकेट भारतीय टीम के गिर जाने के बाद भारत की पूरी टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई। जी हां दोस्तों, दरअसल इस दौरान सूर्य कुमार यादव जहां 14 गेंदों में मात्र 13 रन ही बना सके, तो वहीं संजू सैमसन ने 18 गेंदों में 12 रनों की पारी खेली, जहां दीपक हुडा ने 32 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली, तो वहीं अक्षर पटेल ने 21 गेंदों में 21 रन बनाए और अंत में जाकर शार्दुल ठाकुर ने 5 गेंदों में 7 रन बनाकर भारतीय टीम को 300 रन के स्कोर के पार पहुंचाया। जहां आप सभी देख सकते हो कि भारत की बल्लेबाजी प्रदर्शन आज कैसा रहा और इसी के साथ भारतीय टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 308 रन वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ बना लिए थे और इस दौरान सबसे ज्यादा विकेट वेस्टइंडीज की ओर से अलजारी जोसफ और गुदाकेश मोटी को मिली, जहां इन्होंने 2-2 सफलताएं हासिल की। तो वहीं दोस्तों फिर मैदान पर वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी, जहां वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से आज पारी की शुरुआत करने के लिए बीच मैदान पर आए शाई होप और काइल मेयर्स, जहां शाई होप और काइल मेयर्स के बीच अच्छी साझेदारी हो ही रही थी, लेकिन इसी बीच शाई होप को मोहम्मद सिराज ने शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करवा दिया, जो कि 18 गेंदों में मात्र 7 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे। तो वहीं शाई होप के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे शार्मरा ब्रुक्स, जहां शार्मरा ब्रुक्स ने आज के इस मैच में काइल मेयर्स का बखूबी साथ निभाया और दोनों ही बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी तो की ही और इस दौरान दूसरा बड़ा झटका वेस्टइंडीज की टीम को शार्मरा ब्रुक्स के रूप में लगा, जो कि 61 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए, जहां इसी बीच तीसरा बड़ा झटका काइल मेयर्स के रूप में वेस्टइंडीज की टीम को लगा, जो कि 68 गेंदों में 75 रन बनाकर आउट हुए और उनको भी शार्दुल ठाकुर ने ही आउट किया। तो वहीं दोस्तों ये 3 बड़े झटके लग जाने के बाद यहां पारी को संभाला ब्रेंडन किंग और निकोलस पूरन ने, जहां इस दौरान ब्रेंडन किंग ने टीम को जीत दिलाने के लिए अंत तक बल्लेबाजी की, तो वहीं निकोलस पूरन ने 26 गेंदों में 25 रन बनाए। हालांकि उनको मोहम्मद सिराज ने प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं फिर मैदान पर उतरे रोमन पोवेल, जहां रोमन पोवेल अपना घातक रूप दिखाते हैं, उससे पहले ही युजवेंद्र चहल ने उनको दीपक हुडा के हाथों कैच आउट करवा दिया और ये पहली बड़ी सफलता युजवेंद्र चहल को मिली। हालांकि दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने मैच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया, जहां भारतीय गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर ने मौका ही नहीं दिया वेस्टइंडीज की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का। बाकी आप सब यहां पर देख भी सकते हो कि ये मुकाबला अंतिम ओवर के अंतिम गेंद तक गया, जहां इस मैच में भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के प्रदर्शन के बारे में और आप भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देखने के बाद किस बल्लेबाज और गेंदबाज को 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में भाग
ले रही है। और ऐसे में दोस्तों आज जिस रोमांचक मुकाबले में जो भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया, इसमें वेस्टइंडीज टीम के कप्तान निकोलस पुरन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और वेस्टइंडीज की टीम का बल्लेबाजी करने का फैसला क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में बिल्कुल सही भी रहा। दरअसल दोस्तों यहां वेस्टइंडीज ने 50 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 427 रन बनाए और भारतीय टीम को लक्ष्य मिला 428 रनों का। हालांकि दोस्तों ये मुकाबला इस हद तक रोमांचक मोड पर पहुंच जाएगा ये किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि एक समय पर तो भारतीय टीम लगभग इस मुकाबले को हार चुकी थी और एक भी फैन इस मैच को देखना पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि पारी खेली। और इन दोनों बल्लेबाजों के ताबड़तोड़ प्रदर्शन के बलबूते पर वेस्टइंडीज की टीम को काफी अच्छी शुरुआत मिल चुकी। हालांकि फिर तीसरे और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे शामरा ब्रुक्स और कैसी कार्टी, जहां आज के इस मुकाबले में ब्रुक्स ने 43 गेंदों में 63 रन बनाए तो वहीं कार्टी 7 गेंदों में मात्र 17 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे और यहां 4 बड़े झटके वेस्टइंडीज की टीम को लग चुके थे। तो वहीं दोस्तों फिर निकोलस पुरन और रोमन पॉवेल का भी बल्ला नहीं चला और यहां कप्तान निकोलस पुरन 25 रन ही बना सके तो वहीं रोमन पॉवेल ने 48 रनों की पारी खेली। हालांकि इन दोनों की बल्लेबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज की टीम ने 300 का आंकड़ा पार कर दिया था। हालांकि बाद में बची हुई कसर कीमो पोल और अकील हुसैन ने पूरी कर दी, जहां कुरका जिन्होंने 2-2 विकेट हासिल किए तो वहीं युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। तो वहीं दोस्तों फिर जब भारतीय टीम 428 रनों के लक्ष्य के जवाब में उतरी तो यहां भारत की तरफ से पारी की शुरुआत की ईशान किशन और शिखर धवन ने। हालांकि दोस्तों यहां ईशान किशन के रूप में आज भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगा, जो कि मात्र 11 गेंदों में 5 रन ही बना सके, जैसा कि आप सब यहां पर देख सकते हो। और ईशान किशन के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से दबाव में आ गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, 5 मैच की वनडे सीरीज कैरिबियन टीम ने 4-1 से जीती थी। हालांकि इसके बाद भारत ने 4 बार 2009, 2011, 2017 और 2019 में वेस्टइंडीज का दौरा किया है और हर बार वनडे सीरीज में भारत को जीत हासिल हुई है। तो ऐसे में दोस्तों आज भारत और वेस्टइंडीज के टीम के बीच जो मुकाबला है उसमें भारतीय टीम के पास एक बार फिर से सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखने का मौका है। तो वहीं दोस्तों आइए मुकाबले की लाइव अपडेट से पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार मौसम विभाग का क्या कहना है बारिश के ऊपर। कुछ अधिक रहेगी, हालांकि दोस्तों ऐसे में खिलाड़ियों को उमस से जरूर राहत मिलेगी। हालांकि आइए अब हम बात करते हैं मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये रोमांचक मुकाबला आप सभी फैन कोड एप्लीकेशन पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इसकी देख सकोगे और अगर आपको टेलीविजन पर देखना है तो डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल पर ये मैच आज प्रसारित किया जाएगा। मैं उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में आरएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।